लो जी अब तो घर पहुंच। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। लो जी गाइस, भूख लगी थी भाई मोहसिन ने, हम पर तरस खाया है, तो क्या खिलाने लगे हैं फिर भाई मोहसिन आप? यार नहीं यार, सही तो सही आशर भाई है, कहाँ करें जो शर्मा आई लोग। आशर भाई के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि आशर भाई बहुत अच्छे हैं। तो पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि कुछ खाएं, तो गाइस आज हम आपको मिलाना चाहेंगे कोई शानदार शख्स जो कि एक बहुत ही उमदा किस्म का शख्स बिल्कुल भी नहीं है, द वन ओनली हरून। तो हरून भाई आप बताएं, तो आपने अपने चैनल को कैसे स्टार्ट किया, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? अभी तक मैं जिस भी मुकाम पर पहुंचा उसमें सबसे ज़्यादा हाथ आशिक का है। सबसे ज़्यादा हाथ मेरी व्लॉगिंग का है, मेरी एक्टिंग का है। सबसे ज़्यादा हाथ मेरे मामू का है, जिन्होंने अपना 40,000 रुपये ज़ाया किया मुझे मेरे ऊपर, इस मुकाम बनने के ऊपर, पर किसी दिन उनको फ़ायदा होगा इसका। तो हरून भाई ने बहुत ही जो है वो दुखी स्टोरी थोड़ी सी सुनाई है, तो उसके साथ हम चलते हैं एक बहुत ही नेक किस्म, एक बहुत ही उमदा किस्म, एक बहुत ही प्यारे और एक बहुत ही अजीबो गरीब इंसान से, मोहसिन से। जी मोहसिन भाई, तो आप बताएंगे, तो आप हरून के दोस्त कैसे हो? पीछे पीछे हो जाकर भी मेरी लाभ थी, वो कह रहे हैं कि पीछे पीछे हो जाए, तो आप पीछे पीछे होते मिलते हैं। ये मेरा दोस्त इस तरह बना था कि एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, हमारी किराने की दुकान भी है, मिडिल क्लास यूट्यूबर है, तो दुकान थी किराने की, ये सामान नहीं, इसके पास पैसे नहीं आए, कह रहा यार थोड़ा सा उधार कर लो, तो मैंने कर लिया, तो उससे हमारी दोस्त स्टार्ट हो गई। अभी तक इसने मेरे 50 रुपये देने हैं, वो दे रही, तो आज हमें लैग खिलाने लगा है क्योंकि बहुत भूख लगी थी, क्योंकि इसने यार यार बोल रहा है यार, क्योंकि इसने कहीं सुना है कि अच्छा कोई सवाल सुन कर यार। यार सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने पहला ब्लॉग बनाया तो आपकी क्या थी कि यार अगर मैं अच्छा ये वीडियो चलेगी, कैसी चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो आपके दिल में कैसे कैसे सवाल आया? गाइस मुझे पहले दिन से ही पता था मुझे ब्लॉगिंग बनाना नहीं, ब्लॉग बनाना नहीं आता, तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो चैनल मोनेटाइज हो गया, वो तो मैंने चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ लिया है, तो बस आपके प्यार की जरूरत है, तो मिलते हैं फिर आपको रोटी खाने के बाद। गाओ गाओ की हो गया यार, मेरा आंदा नहीं है तो गाज़ गाज़। आज हम लोग यहाँ एक बहुत ही फेमस किस्म के रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि इतना फेमस है तो बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ मोहसिन भाई जानते हैं, हमें भी नहीं था पता, तो मोहसिन भाई इधर लेके आए। तो मोहसिन भाई आप ये बताएं कि कैसे आपको इस रेस्टोरेंट का पता लगा, किसके पल्ले पर आप इधर रोटी खाने आए थे? यार तो हरून भाई देख सकते हैं भूख से बुरा, बहुत बुरा हाल हो गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया हम यहाँ पर बैठे हुए, तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये होटल आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, देखिए रश कितना ज़्यादा, आशिर 500 रुपये पा रहे हैं? नहीं यार 100 रुपये तो पाया लिया सुबह, यार मैं दे दूंगा सारे यार, रहन दो यार, ताना यूट्यूब पे यार दे देगा सारे यार, क्या यार रहन दो ठीक है, मौसम ना दे तू बात करे पेट का आपको जाने, मैं तो नहीं बात हुआ देता, बस मैं पेट का आपको जाने का। गाइस ये सब मशहूर जगह है, जो जगह का मतलब है टिके को आपके लिए, और इनके लग बहुत ज़्यादा मशहूर है इसलिए हमारे यहाँ, तो खाते हुए तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो है वो लेग खाने हैं, आप देख सकते हैं कितने स्वादी प्रोटीन से भरपूर, कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। इसके बाद हम अगला ब्लॉग बनाने के काबिल आ रहे हैं, क्योंकि हम सही के पे हैं, खुद ये देखिए एक आदमी आ रहा है, तो बाद में देखते हैं, तो ओके के लिए बाय।